नतमो दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ दंदम सतगुरु पंथ जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक हैं, ये बिल्कुल इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत, और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गती हुई कमरिया, शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी, और एक और वही उनके बाबूजी साहब उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जनते भुगत का मरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरन मेटी हो ले गया संसार में वो भूत बन के बुक्की में बोला है, और आगे कहते जम तोड़े छाती यम के दूत बकलता रहेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगा माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे माही, वहां पर ना किसी की पेश चले चाहे को राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको ग्रिप कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए उसको, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और सांस दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार दे तूने सांस लिया तो तेरे सांस पूरे हो चुके हैं, चलो। धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहाँ उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया, अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहाँ तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगे जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूँ, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसभ हो, रसभ माने गधा, और मट्टी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। अपनात्मा वो परमात्मा कितने दयालु, हमें कितनी कितनी वाणी बोल करके बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही, जादिन की मुझे डर नहीं लागे लज्जा रहे एक नाही। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पा तू फिर चुरासी जाही, परमात्मा जैसा शरीर मनुष्य का आपको मिला है, परमात्मा का ऐसा ही मनुष्य सदर शरीर है, इसलिए परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं और उस पुरुष ने मनुष्य को अपना शरीर दिया है तो मनुष्य को भी पुरुष बोलते हैं। तो क्या बताते हैं कि परमात्मा का जो मटेरियल है शरीर का वो हमारे जैसा नहीं है, असनाविरम शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं है, उसकी शरीर में नाड़ी आदि का व्यवस्था नहीं है, वो स्वयंभू है परिभू है, वो कबीर मनीषी है
सप्रियागात है, सबसे प्रथम देहधारी वही परमात्मा है। अब क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तू फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो, और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने एक और नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा, फिर पंडित आए, गुरुजी आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया, परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया और अब उसके उपलक्ष में गुरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गुरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया, उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई, एक ने ऐसा अपराध करते थे उसके हाथ कटते हैं, यम के दूत आते हैं जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभ कर्मी प्राणी हैं वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं, और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहाँ से जाता है और देखता है, उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भी मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं हैं, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। तो कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि वेद पुराण उठा, फिर पंडित आगे पाछे गुरुड़ पढ़ाई, कि उसको गुरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था, वो बुराइयां से बचता डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गुरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालने का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आए पीछे गुरुड़ पढ़ाई, और फिर बताते हैं नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बुनाई, ये 56 भोग कहा मन भौरे की, तो कुरड़ी चरने जाई। अपनात्मा परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुए में, काल के कुए में, और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी, जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जाव रस्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है, एज लटक दे किधर पैर टेकें किधर इधर जावे, बोले तो और अग में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं, और यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठाकर लाए घर वाले, और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा श्याम ना आप यहाँ पड़े थे? उन्हें कहता मैं यहाँ था, आप यहाँ पड़ा थे तुम बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे, और फिर उन्होंने कह रहे तेरा गए भैया इधर बहुत बुंडी जगह है, अब जब पड़ा था उन्हें टिट्टी पा गया था, जब उसको इस बात का पता नहीं था तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ये ऐसी स्थिति में रख रखे हमारे को, और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लग जाएगी, अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा, पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना। पहले तो दुख में पीड़ रखा,
अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा, और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, अगले थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगे ऐसे सुख के जिससे भगवान की भूल पड़े, हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा, धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की नहीं बात बनी, आप यहाँ भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो, और यहाँ तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था, मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन ही सुखों तक सीमित मत रहना। यहाँ आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि बरुवाला आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना, यहाँ उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कैर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं, रूंगे में, ये जो संसारिक सुख हैं आपके कष्ट निवारण है तो रूंगे में दिए जाते हैं, ये हमारा बिजनेस नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गाँव में कोई ये सब्जी बेचना आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी, उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उसकी तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई दो बार कोई डेढ़ बार ऐसा उसके बदले में दो बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में, वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया, उस गेहूं के एक बेले यानी एक किलो के बदले में दो किलो दो बार तोल ली वह सब्जी जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर ने क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फिर एक दो और आलू गेर देती, नो कह ना भाई और दे, वो एक दो और गेर देता, उसको रूंगा बोला करते रूंगा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहाँ पर, और जो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं कोई घाटे बात दे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, रूंगे में फ्री में, ये सौदा नहीं हमारा, ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठाके दे दिए दो आलू खा लो। तो ये जो आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है या कोई किसी ने श्राप कर रखा, कोई घाल गलवा रखी है, या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान, आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। अब क्या बताते हैं, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे कि तकुरड़ी चरणे जाई। पुणात्माओं हमने इस काल के इस झूठे सुखी बांग घनी पी रखी है, और हमारा आज यकीन ना होता कि हम गधे भी बनेंगे और हम कुत्ते गधे सूअर बनेंगे और वो आहार करेंगे जो आज वर्तमान में कुत्ते गधे कर रहे हैं। उसके लिए याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा, सुखदेव ने 84 भुगती बण्या पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। के सुखदेव ने 84 भुगती, गधा बन गया पजावे पे, पजावा होता है यहाँ पर, पजावा होता है जैसे कुम्हार लगाते थे पहले, उसमें ईंटें पकाते थे और ईंटों के पकाने के बाद जो राख बचती थी उसके ऊपर ही और लगा देते थे, उसको कहीं डालने की जगह नहीं होती थी उनके पास, उसके ऊपर ही फिर दूसरी वर्ष लगा लेते थे, फिर तीसरे वर्ष ऐसे, तो बहुत ऊँचा ढेर हो जाता था। और गधे पर नीचे से कच्ची ईंटें डालते हैं
उसके कमर के थैले पर, और नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते हैं, कच्ची उतारते हैं, पक्की गद फटाफट ठोक देते हैं उसके ऊपर, और फिर देकर डंडा नीचे को धक्का दे देते हैं। एक सेकंड की भी उसके पास समय नहीं है, नीचे से भी लद्दा जाता है, ऊपर से भी लद्दा आता है, और कमर टूट जाती है गधे की। और श्याम को आहार करने के लिए कहाँ जाता है, कुरड़ियों पर, यानी बाहर मैदान में, वहाँ खाता है, फिर चारा भी बाहर चर के आता है और सेवा को मार की करता है। और फिर टूटी कमर पर जख्म हो जाता है, उसको कौवे नोचते हैं, उसी जख्म के ऊपर आते ही कुमार जोकानू वो थैला रख देता है और ईंटें भर के फटाफट उसको स्टार्ट कर देता है लेकर लठ। और फिर देखो पुणात्मा, अपना शरीर यहाँ कहीं से छुल जा खाल थोड़ी सी किसी कारण से भी, और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, कपड़ा वैसे भी आँखों में पानी आता है, इतनी पीड़ा होती है। और आज वो अपलातून जब राजा बना हुआ था, भक्ति करी नहीं, सत साधना की नहीं, आज गधा बना हुआ है, कमर टूटी है, ऊपर थैला, और थैले के अंदर से कोरस सैंड यानी वो खोरा ईंटों का जो रेत, वो जख्म पर गिरता आकर के, और ऊपर से ईंटों की रगड़ लगती है उसके, ऐसे चलते चलते, और उसकी आँखों में से पानी आता है, वो कुछ नहीं कर सकता, विवश है। अपुणात्मा, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, अब परमात्मा की दया से आत्मा निर्मल हुई, ये बातें याद आती हैं तो भी शरीर कांप जाता है, और एक बार नहीं असंख्यों बार, एक बार नहीं असंख्यों बार ये कष्ट उठाए हमने। अपुणात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको, और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं असंख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना। अब इसलिए बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं के नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। अब कितने दुख होते हैं प्राणी पर, आध्यात्मिक मार्ग को आध्यात्मिक घटनाओं से ही तोला जाता है, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको दिखाते हैं एक इतिहास, एक पुण्य आत्मा का, उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना राहत मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, और पिछले पुण्य कर्म इसके घने साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है, इस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को छूट दे दी थी, इसने प्रार्थना की करके मांगा था और कह दिया था ठीक है भाई, तीन युगों में हम नहीं ले जाएंगे प्राणी, और चौथे युग कलयुग में हम ले जाएंगे, तो कलयुग से पहले का कोई इतिहास दिखा दो, कोई मुसलमान न्यारा बना हो, या ईसाई अलग बना हो, या कोई जैनी अलग बना हो, हम वेदानुसार साधना करते रहे, एक ही हमारा इतिहास था, वर्ण केवल कर्म आधार से थे। अब कलयुग में देख ले हमारे अंदर कितनी इसने फूट डाल दी, कोई हिंदू बनाया, कोई मुसलमान बनाया, कोई ईसाई बनाया, कोई सिख बनाया, कोई कुछ बना दिए, हमें अलग अलग पाट दिया। इसको डर था कि कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को, ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है,
लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी, मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूँ और आपको कॉन्फिडेंस है सही है तो मेरी बात तो ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये काल ही करवाता है, लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे, सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे न जाए। अब आपको दिखाते हैं कि इतिहास के सतगुरु ना मिलने से साधना भी कर रहे हैं उनकी भी दुर्गति होती है। आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है, देखिएगा, इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, एमए शास्त्री, ये देखिएगा, ये इनके मंत्र हैं, ओम अरम नमः, अरम हम देते वो नाम है ये, हरियम राम, ये तो राम हो गया। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, एमए शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, और प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ आपको पढ़ाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये तो है पुस्तक का नाम, विशेष प्रकरण और 293 पृष्ठ पे प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर है, 5 अन्य नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, वर्धमान, एमएम वर्धमान। 294 पे लिखा है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर है, पुरुरुवा नामक भील की पर्याय से। पुरुरुवा नामक भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। महावीर भगवान का जीव पुरुरुवा भील की पर्याय से यानी जीवन से निकलकर कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत किसका पुत्र था ये दिखाते हैं, मारीचि भरत का पुत्र हुआ। अब और दिखाते हैं, ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। अब ये कहाँ से छपा है, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दो हैं, इधर बेरी इधर भी, ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है, ये यहाँ से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं, ये 175 पृष्ठ है, ऋषभ देव के पौत्र। ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, प्रथम तीर्थकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीचि, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, ये मारीचि वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीचि। और इसके साथ के भी थी, ये दिखाता हूँ, यही मारीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना।
अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे, अब नीचे देखो जैन धर्म का विकास इतिहास। यहाँ है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरुदेवी थी। वे इक्ष्वाकुवंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए एक वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लाग गया गुरु बड़का पै। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारिचि को दी, जिस मारिचि का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारिचि को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत का पुत्र था। ऋषभ देव का पोतर यानी पोता भरत के पुत्र मारिचि को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारिचि को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। बस यहाँ से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे, सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे। वो सतगुरु मिले ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हों। जैसे आप भक्त जन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सत साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संतरे, ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के, सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहाँ जोड़ रहे हैं, वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लेते हैं आपको, आओ जैन धर्म को जाने ये पुस्तक देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने, इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, एमए शास्त्री। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन जम्बूदी, हस्तनापुर मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ आते हैं हम 294 पृष्ठ पे, शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी मारीचि के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का पता नहीं इनको, वहाँ तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की प्रियाय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी।
अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी ऋषभ देव का पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन होया। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, यानी मारीची ने प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी यह दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, और फिर वहाँ से कहाँ गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया, इसी भरत क्षेत्र में सूती का नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर वहाँ से स्वर्ग में गया, फिर कहाँ आया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहाँ से कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में, और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया, ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहाँ से कहाँ गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अनेक को भाव अनेक शरीर धारण किए इस प्रकार हैं। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, जरा सी भी बांग उतर जाएगी जिसकी, और फिर इसको देखेगा कलेजा मुँह का होगा आपका, और छोड़ दोगे ये गलत साधनाएं। 1000 आक वर्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5,00,000 बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए, 60,000 बार, और 5,00,000 बार शिकारी के भाव, 20,00,000 बार हाथी, और 60,00,000 बार गदा, ओए होए, ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का, और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60,00,000 बार गधे के भाव, 30,00,000 बार कुत्ते के भाव, ओए होए, 30,00,000 बार कुत्ता, गधे का आपको सुनाया था एक भाव बतेरा, और ये 30,00,000 बार कुत्ता, 60,00,000 बार गधा, और 60,00,000 बार नपुसंक खुसरा, 20,00,000 बार स्त्री के भाव, 90,00,000 बार धोबी, 8,00,000 बार घोड़ा, 20,00,000 बार बिल्ली, ओए होए, 60,00,000 बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गड़गोट का मेरा माँ के पेट में ही, 80,00,000 बार देव पर्याय को प्राप्त किया, 80,00,000 बार ओनली 80,00,000 बार तो देवता बना, और गदा बना 60,00,000 बार, ओए होए होए, 60,00,000 बार गदा, 30,00,000 बार कुत्ता, इस 80,00,000 बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा सारे पानी फेरने, और यो 60,00,000 बार गधा बनया, और 30,00,000 बार कुत्ता, और बाकी नरे अपने आत्मा विचार करो। ऋषभ देव जी ने जो साधना की उसकी क्रियाएं कैसी थी, घोर तप किया 1000 वर्ष तक, और फिर प्रथम अपने पोते को नाम दिया, प्रथम शिष्य वही बनाया, और उस शिष्य की उस पोते की क्या दुर्गति हुई आपके समक्ष है, और आगे फिर यू नरक में गया। कहने का भावदास का यू है कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे और आप साधना भी कर रहे हो, आपकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व अभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में बताता 4th अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ,
आठवें अध्याय के पांचवें और सातवें श्लोक में कहा कि मेरी साधना करनी है तो मुझे ही प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं है। आठवें अध्याय के आठ नौ दस में तीन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसकी प्राप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी, परम शांति होगी। अपनी साधना बताता है, मेरा ते को नाम है, आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक श्रवण करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्था है, उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझ कौन से को, 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगा तुझे, और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियाँ हैं। अब वो तीन मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने, अब इस मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया, 80 लाख बार देवप्रयाग को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया, कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ है, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर त्रिस्पुट नामक नारायण हुआ, और फिर सातवें नरक में गया, ये बताना रह रहा था नरक, सातवें नरक में गया यो महावीर जैन यानी मारीची, और सातवें नरक से फिर कहाँ गए, 296 पृष्ठ पे पढ़िए, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया शेर बना, फिर वहाँ से हिमवान पर्वत शिखर पर फिर सिंह हुआ, स्वर्ग से आकर के प्रथम नरक से निकल कर कहाँ गया कि हिमवान पर्वत पर शिखर पर फिर सिंह हुआ, और फिर वहाँ से कहाँ गया, स्वर्ग में गया, एक मुनि से उपदेश लिया, फिर कहाँ गया, यहाँ कंकोजल नामक पुत्र हुआ, फिर सातवें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की सीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ, फिर वहाँ से माँ शुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी विधेय पुष्कलावती देश की पुंडराकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, और फिर कहाँ गया, सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस प्रयाव में गया, जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ, ये भी महावीर भगवान बनया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके बाद 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए महावीर भगवान के जीव ने, यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। अपुण आत्माओं, इस दास का ये परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा कर रहे हैं, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की, अब देखो दास ये बताना चाहता है कि जो साधना
प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था, और उससे मारीचि को उपदेश मिला, और मारीचि के उस उपदेश के बाद उसकी कितने दुख हुए उसके शरीर में, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान होया 24वां तीर्थकर, अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया, उसने फिर 363 पाखंड मत चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। ये दास ये कहना चाहता है ये साधनाएं गलत हैं, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाए गए उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो, इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। अब इसको परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बौर नहीं रहे सादाओ। अब जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन भोरे कुरड़ी चरने जाई, ओए होए कि आज तू नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद या दुर्गति डेफिनेट है आपकी इन साधनाओं से, ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते न्यो का न्यो बनेगा, इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया फिर गधा बन गया, बताओ स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान मैटी फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है सब झंझट मिट जाता, ना गधा बनना ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते, आज आप अमरपुर में सतलोक में बैठे होते जहाँ कोई कष्ट नहीं आप पर, पुनात्मा मृत्यु तो आपकी होगी, इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है सब मानते हैं होगी मृत्यु होगी, और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी तो उल्टा जन्म यही होगा आपका, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहां से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहां तो फिर जन्म हो गया फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी का आंख फूट गई, ये दुर्गति, और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया फिर यही प्रोसीजर, ये क्या तुक हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में शरण में शत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा, अगर ये ऐसा मन में आ गया फिर वापस आओगे तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी, और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा, और वहां फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया, ये तो अस्थाई है, बिल्कुल अस्थाई, किसी का समय निश्चित नहीं, कल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहां नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहां से एक गलानी पैदा हो जाएगी, और जब तक यह गलानी नहीं होती ठीक है भक्ति कर रहे हो फल मिलेगा, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस गलानी के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी, तब आप सतलोक दास कोगे, और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है ये दुर्गति, जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीचि वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, और
60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, समय पर रोटी मिल जाए, जब चाह जब दिल करे चाह पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो दस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है, अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा। हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दरपाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा है जून के महीने में, या हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देख पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तुझे छाया में बिठाता हूँ, और वो कहता जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्मा, इतने नशा हमारे जूठे सुखा, हम इतने दुखी हैं और फिर भी नोगे मौज हो रही है। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहाँ कहते हैं क्या हाल है, अक मौज हो रही है, कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी और फिर भी नोगे मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू, जब सत साधना ना की ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के ऊपर न मुँह करके। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सत्पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को, या कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहाँ स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए, वहाँ तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, सुंदर शरीर है वहाँ देवों का, स्त्री और पुरुषों का,
और सब बकवादें ज्यों की त्यों, ईर्षा राग द्वेष बकवाद ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दें तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी पांचों विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा आसक्त हो गया और यहाँ तक बकवाद कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे, उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था, तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। इंद्र वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा, पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपुण आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग के राजा का ये करैक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा। अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा, अब परमात्मा ने आके बताया भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है, यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सतपुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है संसार की मान बड़ाई को नहीं देखना, सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए सबके दाता होते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जन साधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड सपर्दा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है, उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा, उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है निर्देश हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है, शंखों लहर मेर की उपज कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी
सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से लिखा बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता, परमात्मा की ऐसी मेहर होती है, वो मेहर की लहर थी सबके ऊपर कृपा वर्ष रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी एज इट इज, कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी, अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है, ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है, वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हड्डी चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर पांच तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका, पांच तत्व कौन से हैं, पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु, ये पांच इसके, और इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते, ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं, उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहाँ कोई काम नहीं आपको, और यहाँ फुर्सत नहीं आके देवताओं को भी एक सेकंड की, सबकी गृहस्थी सबके साथ यही खाना पीना पेट भरना और धंधा करना, सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है।